हेलो व्यूअर्स, फ्रैक्शनल कैलकुलस का ये 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम मिटॉग लेफलर फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन एक मैथमेटिशियन जिसका नाम गोस्ता मिटॉग लेफलर है उसके नाम पे है, जो स्वीडन का रहने वाला था और 1846 से लेकर 1927 तक उसका टाइम पीरियड था। ये को फाउंडर था, एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिकल जर्नल है, इसे एक्टा मैथमेटिका कहा जाता है, जर्नल की पूरी सीरीज़ है, उसका ये को फाउंडर था। इसके अलावा ये जो नोबल प्राइज़ कमेटी है उसका भी ये 1903 के बाद मेंबर रहा है। इसने ये फंक्शन ड्राइव किया था और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस और स्पेशल फंक्शन को हम मिटॉग लेफलर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। मिटॉग लेफलर फंक्शन कैपिटल ई अल्फा ऑफ सम आर्गुमेंट जी, ये बराबर है समीशन फ्रॉम के 0 टू इन्फिनिटी जी रेज टू पावर के गैमा ऑफ अल्फा के प्लस 1। इसकी जो सीरीज़ है आप देख सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी सीरीज़ की एक्सटेंशन कह सकते हैं। ई एक्स की जो सीरीज होती हैं वो अगर मैं के ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर के ओवर में के फैक्टोरियल, और के फैक्टोरियल को आप गैमा के प्लस 1 भी कह सकते हैं। तो आप देखें, सिर्फ अल्फा एक पैरामीटर है जो साथ मल्टीप्लाई किया गया है, अदरवाइज सारे ये उसी की सीरीज़ है। तो ये मिटॉग लेफलर फंक्शन है, ये समवट इसकी जनरलाइजेशन है। और आप देखें यहाँ पर अगर मैं अल्फा को 1 कह देता हूँ तो ये सिंपली मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। इसे मिटॉग लेफलर फंक्शन कहते हैं। इसकी जनरलाइजेशन भी है, इसमें 2 पैरामीटर हैं, एक अल्फा और एक बीटा ऑफ आर्गुमेंट जी समीशन के 0 से इन्फिनिटी जी रेस टू पार के ओवर मिस गैमा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा। तो देखें, बीटा को अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये सिंपल जो मिटॉग लेफलर फंक्शन है वो बन जाएगा। अगर अल्फा बीटा दोनों को 1 करूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। इसमें जो जी है ये रियल वेरिएबल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी हो सकता है। इसे जो पैरामीटर है अल्फा और बीटा है ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर ये रियल हैं तो इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स हैं तो इनकी जो रियल वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलिए अब इसके हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, इसके स्पेशल जो वैल्यूज़ हैं। तो पहली इसकी जो है, अगर हम क्योंकि ये दोनों फेम है, देखिएगा बीटा की वैल्यू 1 प्लग करूँगा, देखें इसी के अंदर अगर मैं अल्फा और बीटा को 1 कर दूँगा तो ये मेरे पास जो पहले वाला है 1 पैरामीटर उसके बराबर आ जाएगा। बीटा को 1 करते हैं तो ये सिंपल इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। लिहाजा मैं सब ये जो सेकेंड वाली है जनरलाइज फॉर्म है उसी की फॉर्म में तमाम प्रॉपर्टी लिखूँगा। उस तमाम प्रॉपर्टीज में बीटा को 1 करेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर्स की 1 कह दें, ये है अगर मैं ई 0 1 ऑफ जी लिखूं तो ये बनेगा 1/1 माइनस जी। देखिए बाय डेफिनेशन ई जो है अल्फा बीटा ऑफ आर्गुमेंट जी होता है समीशन के 0 से इन्फिनिटी जी रेज टू पावर के गैमा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा है, और इसमें आप प्लग कर दीजिए अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह 1 कर दें तो बनेगा समीशन के 0 से इन्फिनिटी 0 टू पावर के गैमा ऑफ अल्फा 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस 1 बनेगा। और देखें गैमा जो फंक्शन है इसमें n प्लस 1 हो तो ये n का फैक्टोरियल है, गैमा जो 1 होगा ये 0 का फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर है। तो देखिए ये बनेगा मेरे पास समीशन के 0 से इन्फिनिटी 0 टू पावर के जो कि 1 प्लस जी प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब प्लस सो ऑन है। ये मैकलॉरिन सीरीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशियो जी और फर्स्ट टर्म 1 है। इसका जो सम होता है वो ए ओवर 1 माइनस आर होता है, ए 1 है आर जी है, तो ये बनेगा 1/1 माइनस जी बनेगा। इसमें जो जी की रेंज है वो लेस देन, उसका मॉडल लेस देन 1 होना चाहिए, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं या इसको आप यू भी लिख सकते हैं। इसके अंदर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। इसकी पहली वैल्यू थी,
चलिए इसकी जो है वो दूसरी वैल्यू देखते हैं, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। हम अल्फा और बीटा दोनों को वन प्लग कर देते हैं, तो इसके देखें 1,1 जो बनेगा बाय डेफिनेशन, आप प्लग कर दीजिए यहाँ पे, ये बनेगा समीशन के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जी रेज टू पावर के, ये गैमा ऑफ अल्फा 1 है तो ये के, बीटा 1 है तो के प्लस 1 बन जाएगा। और फिर आप यूज़ करें गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी, ये जी रेज टू के और ये के का फैक्टोरियल बनेगा, और देखें ये वाली जो है वो सीरीज़ बन गई एक्सपोनेंशियल सीरीज़। तो ये जी सिंपली क्या बन जाएगा, बस ई रेज टू पावर एक्स बन जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो है तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें आप लीजिए e1,2z समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जीरो टू पावर k गैमा ऑफ k प्लस 2 बन जाएगा, ये समीशन k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जीरो टू पावर k, ये k प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। और इसको अगर आप z से मल्टीप्लाई करें और z से डिवाइड कर दें, जो मल्टीप्लाई वाला z उसको अंदर ले जाएं और साथ पावर ज्वाइन कर दें, तो देखें ये मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यहाँ अगर मैं k प्लस 1 को प्लग कर दूं n के बराबर, तो ये बनेगा मेरे पास समीशन 1 ओवर z बाहर रहेगा। तो देखिए k 0 जब होगा, k 0 करेंगे तो इसमें जो n है वो 1 बन जाएगा, और जब k इन्फिनिटी करेंगे तो n भी इन्फिनिटी आ जाएगा। z की पावर k प्लस 1 को मैंने n कह दिया, और नीचे भी n का फैक्टोरियल है, 1 ओवर z बाहर रहेगा। इसे आप ओपन कर लीजिए, इसे ओपन कीजिए और देखिए ये सीरीज स्टार्ट 1 से हो रही है, तो जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो z बनेगी, फिर z स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल, फिर z क्यूब ओवर में 3 फैक्टोरियल n प्लस सो ऑन बन जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसी सीरीज़ है देखिए यहाँ पे, लेकिन फ़र्क ये कि ये 0 स्टार्ट हो रही है और हमारे वाले जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो इसमें एक टर्म मिस हो गई, वो टर्म क्या है, वो 1 है। आप 1 इसमें सब्ट्रैक्ट माइनस कर दीजिए, तो ये बनेगा मेरे पास 1 ओवर z माइनस 1 प्लस 1, 1 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, और बाकी सीरीज़ वैसे की वैसे लिखें, z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर में 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और देखिए ये जो सारा बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ईजी बन जाएगा, तो ये 1 ओवर z माइनस 1 प्लस ई जी बन जाएगा, या ई जी माइनस 1 ओवर में z बन जाएगा। देखिए ये मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी बन गई है। इस प्रॉपर्टी को आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं, पहले हमने लिया है e12, अब आप e जो है वो 13 लीजिए, e1,3z लीजिए समीशन के 0 से इन्फिनिटी जी रेज टू पावर के कैमा अल्फा, अल्फा 1 है तो अल्फा के जो कि के रह जाएगा, प्लस बीटा यहाँ पे 3 है, और इसे कन्वर्ट कीजिए समीशन के 0 से इन्फिनिटी, ये z के ओवर में k प्लस 2 का फैक्टोरियल बनेगा, 1 ओवर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए और z स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, डिवाइडर बाहर रखा मल्टीप्लाई अंदर ज्वाइन कर दीजिए, ये z k स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, और नीचे भी आएगा k प्लस 2 का फैक्टोरियल। फिर उसी तरह आप k प्लस 2 को आप n कह दीजिए, ये बनेगा समीशन n, जब k 0 करेंगे तो देखिए n स्टार्ट होगा 2 से टिल इन्फिनिटी z की पावर, ये बन जाएगा n ओवर में n फैक्टोरियल, और जो 1 ओवर z है ये उसके बाहर वैसे का वैसे 1 ओवर z स्क्वायर। फिर इसे एक्सपेंड कीजिए, अब जो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये z स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल रहेगा, फिर 3 रहेंगे z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। फिर देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है, जो मिसिंग है वो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी सीरीज वैसे की वैसे रहेगी, z क्यूब ओवर में 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये बनेगा 1 ओवर z स्क्वायर। जो ये वाली टर्म है ये सब मिलके बन जाएगी ईजी, और ये वैसे का वैसे रहेगा, इसको आप ईजी माइनस जी माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर कह सकते हैं। इस तरह आप इसको जनरलाइज कर लीजिए, आप e1,mz लिखिए और इसकी फॉर्म देख लीजिए, ये जो फॉर्म थी वो e1,3 थी, तो देखें 3 थी तो जी स्क्वायर आया था, पहले वाले में जब 2 था तो वो जी आया था,
तो जब m होगा तो ये एक कम आता है, थ्री से एक कम करें z स्क्वायर आता है, तो जब m होगा तो ये z की पावर m माइनस वन होगी। उसको शुरू में लिख लीजिए, वन ओवर z की पावर m आ जाएगी। उसके बाद देखिए e z यहाँ पर भी आया है, पहले वाले में e z आया था, ये n वाले में e z आएगा। माइनस इसका जब थ्री था तो ये इससे एक टू लेस आया था, अगर ये m है तो देखिए ये इससे टू लेस आएगा। तो ये सीरीज़ की फॉर्म में लिख लीजिए इसको, आपसे कह रहे हैं कि जो है k फ्रॉम ज़ीरो टू, और इससे दो लेस आएगा तो ये m माइनस टू तक जाएगा, और ये जेड के ओवर में k फैक्टोरियल, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म बन जाएगी। इसमें जो m है वन टू थ्री सोन होगा, आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जिसकी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर फोर प्रॉपर्टी। इसका बेस 2,1 लीजिए और z लीजिए, समीशन k फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी z रेज टू पावर k ओवर में गैमा ऑफ अल्फा, इसमें 2 है तो 2k प्लस बीटा इसमें 1 है। ये बनेगा k फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी z रेज टू पावर k ओवर में 2k का फैक्टोरियल बन जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ समीशन k फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये जो z है इसको मैं इसमें z का लिख दूंगा स्केयर रूट, और इस सब की पावर कर दूंगा 2k। तो देखिए ये z की पावर 1/2 है, इस 2 से कटेगा तो वो z के ही बन जाएगा, ओवर में क्या आएगा 2k का फैक्टोरियल बनेगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ है, मेरे पास ये सीरीज़ होती है कॉस सीरीज़, कोसाइन सीरीज़ है, साइन सीरीज़ है, हाइपरबोलिक सीरीज होती हैं। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 ओवर में 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इसकी जनरलाइज फॉर्म बनेगी k 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 2k ओवर में 2k का फैक्टोरियल। तो ये होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज। इसी तरह अगर ये ऑड पावर्स आ जाए, यानी x माइनस एक्स क्यूब ओवर में 3 फैक्टोरियल, पॉजिटिव 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और इसकी अगर जनरलाइज फॉर्म लिखूं सीरीज फॉर्म में, तो x की पावर 2k प्लस 1 ओवर में 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये साइन हाइपरबोलिक x होती है। इसमें अगर साइन ऑल्टरनेट कर दी जाए, यानी आप इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन, पहली बारी जो इवन पावर्स थी अगर उसमें आप इसकी जो पावर्स हैं जो साइंस हैं ऑल्टरनेट कर दें, तो फिर इसकी जो लाइज जो फॉर्म बनेगी सीरीज फॉर्म में वो आपकी आएगी माइनस वन की पावर k x की पावर 2k ओवर में 2k का फैक्टोरियल। तो ये फिर बनती है कॉस x बन जाती है। तो फर्क देखिए, कॉस हाइपरबोलिक में और कॉस x की जो सीरीज़ है दोनों में पावर्स इवन ही आती हैं, सिर्फ उसमें सारे सारी पॉजिटिव हैं और इस वाली में ऑल्टरनेट साइंस आ रही हैं। इसी तरह साइन का भी यही रिलेशन है, अगर इसमें पावर इसमें टर्म की जो साइंस है ऑल्टरनेट कर दी जाएगी, x माइनस एक्स क्यूब ओवर में 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 ओवर में 5 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन, समीशन k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर k x की पावर 2k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये साइन ऑफ x बन जाता है। तो देखिए ये जो सीरीज़ थी, ये जो सीरीज़ है इसे मैच कर गई है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे z का स्क्वायर रूट है, जिससे ये कॉस हाइपरबोलिक x आया था, तो ये जो बनेगा मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ z बन जाएगा। चलिए इसमें आप एक इसी की आप दूसरी फॉर्म देखिए, अगर आप e 2,2 कर लेते हैं, अच्छा इसमें एक और देखिए, अगर आप इस स्क्वायर रूट से परेशान हैं तो आप इसमें यहाँ पे जो z है उस z की बजाय z स्क्वायर ले लीजिए, जब z स्क्वायर लेंगे फिर ये z ही फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं जो साइन की नॉर्मल वहाँ पे z स्क्वायर ले लेता हूँ, ये क्या बनेंगे, समीशन k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी z टू द पावर k समीशन गैमा 2k प्लस 2, और ये बनेगा समीशन k 0 से इन्फिनिटी z स्क्वायर आएगा तो 2k बन जाएगा, ये भी 2k आ जाएगा ओवर में 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको आप z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए और देखिए 1 ओवर z, और ये जो सीरीज़ है ये आप देखिए हमारे पास इस जैसी बन गई है, तो ये क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक z के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर साइंस ऑल्टरनेट करनी है तो फिर आप क्या कीजिए, e 2,1 माइनस z स्क्वायर ले लीजिए, इससे क्या बनेगा, समीशन k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी
माइनस जी स्क्वायर इसकी पावर के ओवर में गैमा ऑफ 2k, और क्योंकि ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा, और ये समीशन k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये माइनस 1 की पावर के अलग कर दीजिए और z की पावर में 2k ओवर में 2k का फैक्टोरियल बन जाएगा। और देखिए ये वाली जो फॉर्म बन रही है, ये वाली ये फॉर्म बन गई है, तो ये कॉज ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगी, सॉरी z के बराबर आ जाएगी। इसी तरह इसकी दूसरी जो फॉर्म बनेगी साइन वाली, वो आप 2.2 लीजिए, माइनस जी स्केयर लीजिए, और ये प्रूफ कर सकते हैं कि 1 ओवर जी साइन ऑफ जी के बराबर आएगी। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ मिटॉग्लिफर फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन ऑफ मिटॉग्लिफर फंक्शन। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो ई अल्फा बीटा ऑफ जी है, ये बराबर है ई अल्फा अल्फा प्लस बीटा जी प्लस 1 ओवर गामा ऑफ बीटा के। चलिए इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ई ऑफ अल्फा बीटा ऑफ जी, अप्लाई कीजिए डेफिनेशन के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जेड टू पावर के गामा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए के को एन प्लस 1। इससे क्या बनेगा, समीशन अब का जाए के एन फॉर्म में आएगी, जब के ज़ीरो करेंगे तो देखिए जो एन होगा वो नेगेटिव 1 से स्टार्ट होगा, के इन्फिनिटी के लिए एन इन्फिनिटी बन जाएगा, जेड की पावर के जो कि एन प्लस 1 बन चुका है ओवर में गैमा ऑफ अल्फा के, फिर वो बनेगा एन प्लस 1 और प्लस बीटा वैसे का वैसे आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए, समीशन एन फ्रॉम नेगेटिव 1 से इन्फिनिटी जेड पावर एन प्लस 1 ओवर में गैमा अल्फा एन प्लस अल्फा प्लस बीटा आएगा। चूँकि इसकी जो समीशन है वो इंडेक्स स्टार्ट पर नेगेटिव 1 से, इसको एक टर्म एक्सपेंड कर लीजिए, यानी एन को आप नेगेटिव 1 प्लग कीजिए, जेड की पावर में नेगेटिव 1 प्लस 1 0 आ जाएगा ओवर में, प्लग कीजिए नेगेटिव 1, यहाँ जब करेंगे नेगेटिव 1 तो नेगेटिव अल्फा बनेगा, इससे कट जाएगा, सिंपल आएगा गैमा ऑफ बीटा बन जाएगा, और प्लस और जो बाकी सीरीज़ है वैसे की वैसे लिखी है, लेकिन अब जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा उसका 0 से, और बाकी सारी सीरीज वैसे की वैसे आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ उसकी एक जो टर्म थी उसको ओपन कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये z की पावर 0 1 बनेगा, ये बनेगा 1 ओवर गैमा ऑफ बीटा बन जाएगा, और ये दोबारा देखिए मेरे पास बाय डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन मेरे पास क्या थी कि जो e अल्फा बीटा है ऑफ z, ये समीशन k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी z टू दी पावर k गैमा ऑफ अल्फा k प्लस बीटा होता है। तो देखिए ये अल्फा है तो इधर अल्फा आता है, अल्फा के आता है और बीटा उसके साथ जमा हो रहा होता है। हमारी इस सीरीज़ में देखिए, एक तो ये जेड की पावर एन प्लस 1 है, तो एक जेड एक्स्ट्रा है, उसको बाहर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो जब जेड सेपरेट करूँगा तो एक जेड जो कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर निकल आएगा, बाकी जेड की पावर एन सेम हो जाएगा, गैमा अल्फा एन, तो मेरा जो ई के साथ है फर्स्ट पैरामीटर वो अल्फा रहेगा, जो सेकेंड पैरामीटर है वो साथ जमा हो रहा है, इधर जो कि बीटा आता है वो बी आता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा विद सेम पैरामीटर। तो देखिए मेरे पास उसकी राइट हैंड साइड बन गई, ये आप चेक कर सकते हैं, ये टर्म आप इधर शिफ्ट कर दी हमारे पास बन गई। तो इसका रिकरेंस रिलेशन है, रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है कि फंक्शन अपनी ही प्रीवियस फॉर्म में या नेक्स्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, रिकरर हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, अपनी वैल्यूज रिपीट करता जाएगा। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ मिटॉग्लिफर फंक्शन, यानी आई वांट टू फाइंड डी बाई डी जी ऑफ अल्फा बीटा जी, मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। चलिए बाय डेफिनेशन डी बाई डी जी ई ऑफ अल्फा बीटा ऑफ जी लिख लीजिए, ये डी बाई डी जी समीशन के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जेड टू दी पावर के गैमा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा बन जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बड़ा नाइस फंक्शन होता है, हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देगा, देखिए सब एक ही टर्म जी वाली है, तो बड़ी इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, जब डिफरेंशिएट करेंगे जेड
पावर नीचे आ जाएगी और ये इसकी एक पावर कम कर देगा। ओवर में जो आएगा वो सेम अल्फा के प्लस बीटा है। लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान था, लेकिन अब हम करना क्या चाहते हैं, हम इस फॉर्म को एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वापस मिटॉक लेफ्टर की फॉर्म में। देखिए, ये अगर ये के ना हो तो ये बड़ी इजीली इस फॉर्म में जा सकता है, इस के की वजह से ये ई के फॉर्म में नहीं जा सकता, ये इस बेसिक डेफिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि के है कांस्टेंट, के कांस्टेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो के पे है, हर चीज़ जो के पे है वो कांस्टेंट नहीं है, उसको आप बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि हम इस जब तक इस के को ख़त्म नहीं करेंगे ये दोबारा इस फॉर्म में नहीं आएगा। ख़त्म कब होगा, जब कहीं नीचे कहीं के आ जाए तो उससे ये कट जाए। अब देखिए, गामा फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस जो गामा होता है ये एक्स टाइम गामा एक्स के बराबर है। इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बनेगा मेरे पास समीशन, इस बेशक एक पावर को बाहर निकाल लीजिए या चलिए बाद में निकाल लीजिएगा, के फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी के जेड टू द पावर के माइनस वन। ओवर में देखें, इसको मैं लिखता हूँ गामा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो ये जो मेरा बन गया, देखें ये मेरा एक्स बन जाएगा, तो इस पर मैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से इसकी जो शक्ल बनेगी, गामा समीशन फ्रॉम के जीरो से इन्फिनिटी के टाइम जेड के माइनस वन, तो ये बनेगा एक्स गामा एक्स। तो ये एक्स है, तो अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन गामा ऑफ सेम अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन इस फॉर्म में आ गया। चलिए, के बाहर तो आ गया, लेकिन ये के और ये के अभी भी कट नहीं सकता जब तक कि ये जो फॉर्म है ऊपर ना बने। अब देखिए क्या मिसिंग है, अल्फा बीटा माइनस वन, ये सारे सारे कांस्टेंट हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि ये फॉर्म इसके बराबर आ जाए और फिर ये कैंसिल आउट हो जाए। देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं इसको, हम इसको आप अल्फा से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा वन ओवर अल्फा डिवाइड बाय रब किया रखिए आप समीशन के फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, और इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा के, और ओवर में वैसे का वैसे आएगा अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन और गामा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन आ जाएगा। अब देखिए, अब अल्फा को के से तो मल्टीप्लाई कर दिया, साथ बीटा भी चाहिए माइनस वन भी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस के अंदर मुझे ये बीटा माइनस वन ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड करूंगा साथ मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले देखिए, जब मैं ऐड करूंगा तो ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई भी होगा और वो फॉर्म जो बनेगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर अल्फा नहीं चाहिए, तो इट मीन इसके ओवर में अल्फा डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो सेकट जाए और एक्ट ये फॉर्म बन जाए। तो ये नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, मुझे ये नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बीटा माइनस वन ओवर अल्फा और इनटू जो होगी वो टर्म के माइनस वन वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा वन ओवर अल्फा समीशन के जीरो से इन्फिनिटी अल्फा के प्लस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा माइनस वन बन जाएगा और फिर माइनस बीटा माइनस वन बनेगा और इसके बाहर आएगा जेड की पावर में के माइनस वन और बटे में जो है वो चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। ये बनेगा और गामा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन बन जाएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, ये बनेगा वन ओवर अल्फा समीशन के फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी ये अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन और इसकी पावर में जेड के माइनस वन कर लीजिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म आ रही है जो कि है माइनस बीटा माइनस वन, इसकी साथ जेड माइनस के का फैक्टर अलग कर लीजिए और जो बटे में है दोनों के अलग अलग कर दीजिए। ये अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन और गामा ऑफ सेम चीज़ आएगी, इस समय अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन और गामा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन आ जाएगा। ये मेरे पास ये वाली एक फॉर्म बन गई। अब देखिए, ये पूरा फैक्टर इसे कट आउट हो गया, जो रिमेनिंग आएगा आप उसको समीशन की फॉर्म में सेपरेट कर लीजिए, ये बनेगा वन ओवर अल्फा समीशन के ज़ीरो से इन्फिनिटी जेड माई के माइनस वन, एक जेड बाहर निकाल लीजिए तो ये जेड की पावर के बचेगा, ओवर में सब ये टर्म बचेगा जो गामा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन बनेगा माइनस, इससे मल्टीप्लाई कीजिए वन ओवर अल्फा और इसमें से ये बीटा माइनस वन जो कि कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए और इससे जेड की पावर भी एक्स्ट्रा बाहर निकाल लीजिए, बाकी समीशन के फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी जेड की पावर में के
और देखिए ये दोबारा ज्वाइन कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, एक्स गैमा एक्स टू वन प्लस एक्स बन जाएगा। तो ये गैमा ऑफ अल्फा के प्लस बीटा माइनस वन प्लस वन बन गया, वापस हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो फर्स्ट वाली फॉर्म बनती है ये क्या बनेगी, वन ओवर अल्फा जी, देखिए ये ई अल्फा और इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो बीटा माइनस वन बन रहा है ऑफ जी, और इसका देखिए बीटा माइनस वन ओवर में अल्फा जी, और इसका जो बनेगा पहला जो पैरामीटर है वो अल्फा ही है, और जो सेकंड पैरामीटर है क्योंकि ये वन से वन कट जाएगा वो सिंपल बीटा रहेगा ऑफ जी बनेगा। तो देखिए ये मेरे पास आ गया फार्मूला डी बाय डी जी ऑफ ई अल्फा बीटा ऑफ जी का। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, इसकी आप जो है ये वन ओवर अल्फा जी कॉमन लेकर इसकी फॉर्म को आप मज़ीद बेहतर बनाकर जनरलाइज भी कर सकते हैं, तो उसको आप उससे आप दो दफ़ा तीन दफ़ा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये है मेरे पास, हमने इस लेक्चर में मिटॉक लेफ्लर फंक्शन को डिफ़ाइन किया, कुछ उसके स्पेशल केसेस देखे हमने, उसके बाद इसका रिगरस फार्मूला ड्राइव किया और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और कुछ और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मैथ विद डॉक्टर सईद।